देवभूमि उत्तराखंड में कई ऐसे दर्शनीय स्थल हैं जो प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन के साथ ही धार्मिक पर्यटन का भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन्हीं में से एक है पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी में स्थित पंचाचुली पर्वत श्रृंखला, जो 5 पर्वत चोटियों का एक समूह है। धार्मिक ग्रंथों में इसे पंचशिरा के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे पांडव चोटी के नाम से भी संबोधित करते आ रहे हैं। आना अब तो बहुत आसान हो गया है, रोड बन गई है, इतने अच्छे हट्स बने हुए हैं यहाँ पे। सरकार ने जो भी ये सुविधा दे रखी है वाकई अच्छी दे रखी है, मैं पसंद आया। और ये दारा वैली हम दुआ कर रहे हैं भगवान से कि जल्दी से ये बादल छट जाए ताकि हम ये पूरा पंचाचोली का दृश्य देख पाए। मान्यता है कि युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव यानी 5 पांडवों के ये प्रतीक हैं, और वृद्धावस्था में पांडवों ने इन्हीं 5 चोटियों से होते हुए स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया था। पांडवों ने पंचाचुली पर्वत पर ही आखिरी बार भोजन बनाया था। इसके 5 शिखरों पर पांडवों ने 5 चूल्हे बनाए थे, इसीलिए ये स्थान पंचाचुली के नाम से जाना जाता है। कुमाऊं के अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत और पिथौरागढ़ के हिल स्टेशनों से भी इसका दीदार होता है। यहाँ पे आके मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और जो यहाँ की दारमा वैली है तो लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पे ये स्थित है, और मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये जो 5 पांडव की जो चोटियाँ हैं, तो आज हम इनको देखने के लिए और आगे जाएंगे, और शायद इससे पहले इतना खूबसूरत नज़ारा मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी देखा होगा, और कोशिश करेंगे कि हम और आगे जाएं जितना नजदीक हो सके। पिथौरागढ़ के दुक्तू गांव को पंचाचुली का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। पंचाचुली के दर्शन के लिए पिथौरागढ़ जिले की नैनीसैनी हवाई पट्टी से 170 किलोमीटर की यात्रा वाहन के जरिए तय कर दारमा घाटी के माइग्रेशन विलेज दुक्तू पहुँचा जा सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, आपके दर्शकों को ये अनुरोध करूंगा कि आप अगर इच्छुक हैं प्रकृति के नज़दीक से नज़दीक आने की, तो आप वास्तव में आइए। इतनी खूबसूरत जगह, अब यहाँ बहुत अच्छी सारी सुविधाएं यहाँ सरकार द्वारा मुहैया करा ली गई। आपको यहाँ वाहन से, आप यात्रा से यहाँ आएंगे, आपको मात्र 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बीच में हमारे TRC वगैरह की व्यवस्था है, आपको बढ़िया भोजन, बढ़िया सुविधाएँ रहने की सब सुविधाएँ मिल जाएंगी आपको, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ यहाँ। पंचाचुली बेस कैंप और ग्लेशियर जाने वाले पर्यटकों के लिए दुक्तू गांव में होमस्टे बने हैं जो किराए पर मिल जाते हैं। गर्मियों के मौसम में जब पर्यटक भारी तादाद में पंचाचुली के दर्शन के लिए आते हैं, तब ये होमस्टे खचाखच भरे होते हैं, जो सीमांत के ग्रामीणों की आजीविका का एक मुख्य स्रोत भी है। जब से रोड पहुँची है तब से यहाँ सुविधा ठीक है। पंचाचुली बेस कैंप के नाम से बाहर के लोग भी आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, फॉरनर लोग भी आते हैं, और यहाँ रहने की 5 हटें हैं, और एक घट में 6 लोगों को रहने की व्यवस्था की जाती है, और पंचाचुली के नाम से जाना जाता है दुक्तू गांव। और यहाँ के जब से रोड के उससे यहाँ काफ़ी लोग, ये 2-3 साल से बहुत यात्रियाँ भी चल रहे हैं। इस बार लॉकडाउन के चक्कर से 2 साल से यहाँ बहुत कम लोग आ रहे हैं। पंचाचुली ट्रैकिंग बेस कैंप से ग्लेशियर का मार्ग बेहद रोमांचकारी है। इस ट्रैकिंग रूट पर भोजपत्र, शंकुधारी वृक्षों, अल्पाइन घास के मैदान और हिमखंड के यादगार दर्शन होते हैं। पंचाचुली ग्लेशियर से निकलने वाली न्योली नदी का नज़ारा भी यहाँ देखते ही बनता है। यहाँ आने का भी पूरा अच्छा इंतजाम है TRC द्वारा, हम साथ में सभी लोग आए हुए हैं, और बहुत सुंदर जो ग्राउंड पे हैं हम पंचाचुली के, बहुत अच्छा अनुभव है यहाँ। अद्भुत वैली है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी। स्थानीय भेड़ पालक भी इस ट्रैकिंग रूट पर भेड़ बकरियां चराते हुए नजर आते हैं, जो पंचाचुली की तलहटी में महीनों तक गुफाओं और टेंटों में रहकर अपने दिन गुजारते हैं। चीन और नेपाल से सटे उच्च हिमालय क्षेत्र में बसी दारमा घाटी शीतकाल में 5 महीने तक बर्फ से पटी रहती है। चीन और नेपाल की सीमाओं के पास दारमा घाटी की गोद में बसा पंचाचुली ग्लेशियर अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र है। कुदरत ने यहाँ अपना खजाना जमकर लुटाया है। अगर सरकार प्रचार प्रसार के साथ ही सीमांत दारमा घाटी में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देती है, तो पंचाचुली देश के शीर्ष पर्यटन स्थलों में शुमार हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ETV भारत ऐप।